हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। भाइयों, हम आपको बताने जा रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ भाइयों, आपको बताते हैं। देखो भाइयों, सबसे पहले रानू मंडल जी आज से पहले भीख मांगकर गुजारा करने वाली रेलवे स्टेशन पर एक गायिका थी जो अपने गानों को सुनाकर भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी, लेकिन आज उनकी रातों रात किस्मत बदल चुकी है। एक लड़के ने उनका गाना रिकॉर्ड किया तथा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपको बताना चाहते हैं, उस वीडियो में उन्होंने लता मंगेशकर का एक प्यार का नगमा है गाना गाया था, जो कि वीडियो अच्छी तरह वायरल हुआ। उसके बाद उनकी रातों रात किस्मत बदल गई। अब हम आपको बताना चाहते हैं, उनके लिए फिल्मों से बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं। साथ ही सुनने में आ रहा है कि वह दबंग 3 में अपना गाना गाते हुए नजर आएंगी, साथ ही माँ के किरदार में भी रूप करते हुए नजर आएंगी। ये सोशल मीडिया के द्वारा खबरें सामने आ रही हैं। साथ ही आपको बताना चाहते हैं, वो दबंग 3 के लिए दुबई भी जा सकती हैं शूटिंग करने। आपको बताना चाहते हैं, रानू मंडल जी का तीसरा गाना आपको कैसा लगा वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको बताना चाहते हैं, जब वो भीख मांगकर गुजारा करती थी उस वक्त उनका कोई भी नहीं था, लेकिन अब उनकी एक बेटी भी आ गई है। जब से वो सुपरस्टार के रूप में उभर कर निकली है, अब उनकी बेटी ने भी उनसे रिश्ता जोड़ लिया है। तो आपकी भी क्या राय है भाइयों उनके बारे में, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही आपको गाना कैसा लगा, अगर आप भी रानू मंडल जी की हेल्प करना चाहते हो तो वीडियो को वायरल करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें फेसबुक व्हाट्सअप सभी जगह, ताकि सभी भाइयों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इस गाने को देख सके। इसलिए वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और आपकी जो भी राय है रानू मंडल के जीवन के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में हमें करके कमेंट करके बताएं, ताकि हमको भी आपकी राय पता चले। अगर आप हमसे ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ सकते हो। सब्सक्राइब बटन दबाते ही बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास। तो वीडियो में आज कितना ही भाइयों, जय हिंद जय भारत।